हाँ दोस्तों, तो आज हम निकालेंगे, आज हम लगा रहे हैं एक 6A रेडमी 6A की पावर आईसी। ये आप आईसी ऊपर देख रहे होंगे और ये फ़ोन है इसका। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसकी आईसी निकली हुई है। चलिए, ये है सेकेंडरी आईसी। को MTK के में दो ICs इसमें दे दी गई हैं पावर में, और ये भी सेम जैसे कॉलकॉम में होती थी कि PMO PMI सेम यही है। मैं आपको पीछे से इसके नंबर दिखाता हूँ। देखिए, आप इसका नंबर अगर यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे तो, हालांकि दूर है कैमरा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये है 6371P। तो सबसे पहले इसको रिवॉल्व करते हैं। यूनिवर्सल स्टेंसिल जी,
आप देख रहे होंगे कि आईसी रिबॉल हो गई है। अब मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ साइड से, करीब से ले जाकर। तो ये आईसी रिबॉल हो चुकी है, अब आईसी को हम बिठाएंगे वापस। मैं आपको फिर से नंबर दिखाना चाहता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नंबर, ठीक है। बोर्ड की बारी है, इसको क्लीन किया जाए। Thank you.
देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी है ये। अब इस पर हम आईसी बिठाएंगे। अब चलिए आईसी बिठाते हैं। नोज कट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा आईसी बिठाते समय, क्या आप अपना नोज कट पॉइंट याद रखें। हालांकि उसके पीछे जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं बॉल टू बॉल। तो चलिए अब आईसी को बिठाया जाए। Thank you.
तो जैसे कि देखा, आई होप कि थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी इसलिए नहीं आ पाई होगी क्योंकि सिंगल अभी हूँ और अभी कोई नहीं है कि जो कैमरे को पकड़ ले थोड़ा सा और मूव ऑन कर ले। बट फिर भी देखते हैं। रेडमी 6 है, ये इसका बोर्ड है, पीछे से निकाल के रखा हुआ बैटरी है। और चलिए, तो इसका लाइट का इशू था, इसमें पावर आईसी चेंज की, जो इसकी सेकेंडरी पावर आईसी है। देखते हैं कि क्या होता है। इसको रिवॉल्व किया। आप कभी भी नई आईसीओ को हमेशा डायरेक्ट मत लगाइए, हमेशा रिवॉल्व कीजिए, क्योंकि वो एक नॉर्मल जो हाई टेम्परेचर पर वो रिवॉल्व होती हैं 400 डिग्री पर, तो उसको आप रिवॉल्व कीजिए फिर से। अगर आप नई आईसीओ को डायरेक्ट बैठाएंगे तो वो प्रॉबली उतना काम करेगी नहीं जितना आपका आपकी सोच होगी। तो चलिए देखते हैं। देख लेते हैं किस हिसाब से बैठी है आईसी। आईसी तो सही बैठी दिख रही है। चलिए, ये सिल्वर टेप भी इजीली निकल गया है। कई बार क्या होता है, सिल्वर टेप चिपक जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का सिल्वर टेप लीजिए, नहीं तो वो क्या होता है, कोने कोने पे चिपक जाता है, तो उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईसी निकाल रहे हैं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ये पीएम आईसी को मैंने यहाँ पे चेंज किया है और पावर आईसी है। इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो इसका सीपीयू, इसका ईएमसी लगा हुआ है, क्योंकि जस्ट पीछे ये ईएमसी है। ज़्यादा लोग अगर आप लोग इस पर ज़्यादा हीट दे देते हैं और ये सेट चालू सेट डेड हो जाता है और आईसी लगने पर भी चालू नहीं हो रहा है और वापस लगा रहे तभी भी नहीं हो रहा है, तो इसका ईएमसी निकाल के रिवॉल्व करना पड़ सकता है और सीपीयू भी। ये लोग समझते नहीं है, टेक्नीशियंस लोग, उनको लगता है कि क्या फॉल्ट चला गया है, फिर वो किसी दूसरे टेक्नीशियन को देते हैं और वो जनरली तीनों आईसीयू निकालता है और उसके बाद उसको रिवॉल्व करके लगाता है। 50% साइड वहाँ ऑन हो जाता है, नहीं तो फिर हमें ईएमसी प्रोग्राम करके देखनी पड़ती है, फिर से प्रोग्राम कर लेते हैं। वो प्रोग्राम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिर से प्रोग्राम कर लीजिए। और सीपीयू हालांकि बहुत कम ख़राब होते हैं, फिर भी अगर ख़राब ऐसा लग रहे हैं कि पावर एसी चेंज कर दिए, ईएमसी प्रोग्राम कर दिया है, तो फिर सीपीयू को स्वैप करना पड़ता है। तो सीपीयू और ईएमसी दोनों एक साथ ही स्वैप होती है। हालांकि नए हार्डवेयर आईडी का एक चक्कर होता है, उसमें भी हार्डवेयर आईडी डिसेबल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो अभी ये जो आईसी लगी हुई है सही तरीके से लगी हुई है, अब बोर्ड में लगाते हैं और रिजल्ट देखते हैं। फ़ोन ऑन हो चुका है, 100% वर्क। तो ये लाइट भी आ चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अच्छी चीज़ है। यहाँ पर काम सीखे, अच्छे से सीखे। जैसे कि देखा आपने, मैंने इसकी पावर आईसी चेंज की और सेकंड पावर आईसी और सेट मेरा ऑन हो चुका है, लाइट आ चुकी है। हालांकि मैं इसको फॉल्ट नहीं दिखा पाया क्योंकि जो वीडियो बनाने का मोड था वो हमेशा सेकेंडरी में आया। मैं ऑलरेडी इसका ये देखिए, मेरा टच भी वर्किंग है, सारी चीज़ ऑन फाइन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ठीक है, टच स्क्रीन पहले से टूटी हुई है तो कोई फॉल्ट नहीं है। और ब्राइटनेस भी देखिए कम ज़्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, तो आई होप कि इसी तरीके से काम करें, और अगर इसी तरीके से काम करना है तो हमें ज्वाइन करें एशिया टेलीकॉम। मैं हूं देवरत्न अग्रवाल, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें मौका दीजिए ताकि आपको ट्रेन कर सकें। और आज जितना भी लेवल हो अगर इंस्टीट्यूट का,
हम उतना देने का आपको कोशिश करेंगे। हमारी क्लास सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लगती है, जिसमें हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता है। थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप प्राइमरी सेकेंडरी ये सारी चीज़ें समझेंगे नहीं, कॉम्पोनेंट नहीं समझेंगे, मेन तो कॉम्पोनेंट होता है आईसीओ की पहचान। ये देखिए आईसी निकालना लगाना है, जब तक थिंक कि अब इस पर कितना प्रैक्टिस करते हैं। हम तो आपको बहुत सरल तरीका सिखाएंगे। ये मैं दावा करता हूँ कि जो भी मेरे पास आएगा, अगर उसने ज़िंदगी में भी हॉट गन नहीं पकड़ी है ना, तो मैं उसको वन टाइम में आईसी लगवा दूंगा उसको। खैर ये एक अलग बात है। और ज्वाइन कीजिए इंस्टीट्यूट नीचे दिए नंबर पे। कॉल हमेशा दिन 12 और 5 बजे के बीच में ही कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आपको बहुत फर्क है सर। जैसे कि हम जो बात करते हैं, जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं, तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली। सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 डे एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड बुट रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, और आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए भी हैं। A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेशेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं? अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं? और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं? हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पर। एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है, कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखाना है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारी मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है।
सीरियसली इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं। सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे। तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे। अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर लें, मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल उड़ रहा है। हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है कि हमें ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हमको भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है कि उसको सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल यहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को सुना। तो आप सेटिस्फाइड सर? 100% सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल बिल्कुल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के सामने मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute,
Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.